हेलो गाइस, मैं संतोष जावरिया और हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जरूरत है या जरूरत नहीं है या जरूरत नहीं थी, इस तरह के वाक्य पर ट्रांसलेशन करना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चार सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं जिन्हें आप देखेंगे तो मुझे आपकी मदद की जरूरत है, यहाँ पर जरूरत है लिखा हुआ है। कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है और हमें उसे डांटने की जरूरत नहीं थी। ध्यान देना, पहले तीन सेंटेंस देखे जाए तो प्रेजेंट के हैं और अंतिम देखा है तो ये पास्ट का है। अब यहाँ पर एक बात ये भी स्पष्ट है कि ये जो वाक्य है वो सिंपल सेंटेंस है और ये दोनों नेगेटिव है और ये नेगेटिव के साथ साथ पास्ट का है। तो इन बातों को फोकस करते हुए हम अगले वाक्यों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम किस तरह के सिंटैक्स का यूज करेंगे, इन्हें वाक्य रचना का प्रयोग करेंगे। तो आइए, पहला सिंटैक्स आपके सामने इस तरह से है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नेट और उसके बाद टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये ब्रैकेट में हमने लिखा है कि इसकी कभी आवश्यकता होती है और कभी नहीं होती है, ये आगे चलकर हम आपको स्पष्ट कर देंगे। चलिए, यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके सामने इस तरह से है, हमें कुछ पैसे की जरूरत है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए ध्यान देना, सबसे पहले हमें के लिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है हमें, और उसके जरूरत के लिए नहीं, देख रहे हैं आप नीड, तो वी नीड। उसके बाद क्या, किसकी जरूरत है, पैसे की, तो वी नीड सम मनी, कुछ पैसे की जरूरत है, तो यहाँ बनेगा वी नीड सम मनी। उसके बाद अगला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, तुम्हें मास्क की जरूरत है, तो तुम्हें के लिए क्या हो जाएगा यू, और जरूरत है के लिए क्या हो जाएगा नीड, और मास्क के लिए यू नीड ए मास्क, तो देखिए इसका बनेगा यू नीड ए मास्क। अगले सेंटेंस की ओर चलिए, तो अगले सेंटेंस को देखें और इसको ध्यान से देखें, ये पिछले सेंटेंस से किस प्रकार समानता रखता है और किस प्रकार से असमानता रखता है। यदि इन दोनों वाक्यों का हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज नजर आ रही है कि इसमें एक नया शब्द आ रहा है जो कि आपको बॉक्स के अंदर दिख पा रहा होगा। तो इसमें क्या आ रहा है, लगाने के लिए आया अलग से, तो ऐसी स्थिति में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो देखिए इसको लगाने के लिए यानी कि उपयोग करने के लिए तो हम इसको लिखेंगे यू नीड टू यूज ए मास्क। तो यहां पर टू लगाना पड़ेगा। अभी टू कब लगाना पड़ता है वो ध्यान दीजिए, जब वर्ब आती है नीड के बाद एक वर्ब और आ जाती है, जैसे यहाँ पर जरूरत के लिए नीड और लगाने, लगाने तो न ये वर्ब है, लगाने के लिए अप्लाई करना, यूज करना, तो ये टू यूज, यू नीड टू यूज ए मास्क, इसलिए हम यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। लेकिन ये टू कब लगता है, जब वाक्य सिंपल हो, आगे चलकर हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें वर्ब के साथ टू नहीं लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है, ये केवल सिंपल सेंटेंस में ही होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पर इस तरह से, मुझे कंप्यूटर की जरूरत है, तो देखिए मुझे के लिए क्या जाएगा आई, और जरूरत है के लिए क्या जाएगा नीड, आई नीड ए कंप्यूटर, तो इसका क्या बनेगा आई नीड ए कंप्यूटर। अगला वाक्य देखिए, मुझे कंप्यूटर खरीदने की जरूरत है। फिर ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर आ रहा है, वो अंतर आ रहा है आपको दिख रहा होगा बॉक्स में जो वर्ड लिखा हुआ है खरीदने के लिए, जिसे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, ये जो वर्ड है जिसे आप देख पा रहे हैं ये दोनों में डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या अंतर हो जाएगा, खरीदना एक वर्ब हो गया है, तो हम ऐसा ही बनाएंगे इसके आई नीड, और उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर, जैसे ये बना ना इस तरह से बनाएंगे आई नीड टू परचेज ए कंप्यूटर, इसका ये बनेगा, देखिए ये आई नीड टू परचेज ए कंप्यूटर। फिर दिखा दो मैं क्या आ रहा नया वर्ड इसमें, दो टू परचेज हमें लगाना पड़ रहा है। टू परचेज क्यों लगाया है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में यदि एक वर्ब और आती है तो हमें टू करके फर्स्ट फॉर्म उसका लिखना पड़ता है। चलिए सिंटेक्स नंबर टू, यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे प्रकार का वाक्य रचना। अब दूसरे प्रकार की क्या वो देख लीजिए, ये बताएंगे किस तरह के वाक्यों का निर्माण के लिए सिंटेक्स है, वाक्य रचना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर नेट लिखना है, प्लस नॉट लिखना है, प्लस वी वन लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ये है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इससे पहले हमने क्या देखा था, नेगेटिव सेंटेंस नहीं था, नहीं सिंपल सेंटेंस था उसके लिए था। आइए यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है,
तो आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या जरूरत नहीं है, जबकि पिछले वाले वाक्य में क्या था, जरूरत है था, इसमें जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस को बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नेट, फिर नॉट प्लस वी वन सब्जेक्ट। तो आइए इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही। फिर क्या लिखें, नीड नॉट, और फिर क्या लिखें, जल्दबाजी के लिए क्या होता है, सीधे सीधे ये वी वन वर्ब यहाँ पर आती है तो लिखना, अदरवाइज लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, जल्दबाजी के लिए हरी। तो देखिए यहाँ हो जाएगा यू नीड नॉट हरी, नीड नॉट हरी का, हरी का मतलब होता है जल्दबाजी करना, तो यू नीड नॉट हरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें के लिए क्या जाए, यू, और उसके बाद क्या लिखना है, नीड नॉट, और बदलने के लिए क्या लिखना है, चेंज, पर उसमें टू चेंज नहीं करना है। ध्यान रखना टू कब लगाते हैं, जब सिंपल सेंटेंस हो, ये के साथ नेगेटिव है, यू नीड नॉट चेंज योर ड्रेस। तो देखिए यू नीड नॉट चेंज योर ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, सॉरी हमें प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, तो हमें के लिए क्या हो जाएगा, वी, चलिए देख लीजिए, वी नीड नॉट वेट फॉर हिम, हमें उसकी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। चलिए सिंटेक्स नंबर थर्ड पर चलते हैं, तीसरे प्रकार की वाक्य रचना, उसका जो स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नीड, फिर नॉट, फिर उसके बाद प्लस है, फिर वी थ्री और ऑब्जेक्ट। पर ये किस तरह के वाक्य को बदलने के लिए कहता है, जो पास्ट में हो और जरूरत नहीं थी, पास्ट के नेगेटिव, जरूरत नहीं थी। उससे पहले हम सबसे पहले पढ़ा था हमने जरूरत है, फिर जरूरत नहीं है, और अब पढ़ रहे जरूरत नहीं थी। तो चलिए उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, ही नीड नॉट हैव गॉन देयर। देखिए सबसे पहले हमने ही लिखा जो कि सब्जेक्ट है, फिर नीड नॉट लिखा, फिर ये हैव लिखा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जाने के लिए क्या, गॉन, गो वेंट गॉन, तो वहां जाने की जरूरत नहीं थी। अगले वाक्य की ओर चलते हैं, तुम्हें उससे झगड़ने की जरूरत नहीं थी, तो इसका क्या बनेगा, तुम्हें के लिए यू, और उसके बाद नीड नॉट हैव लगाएंगे, और झगड़ने के लिए क्या था, क्वारल, अब उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो देखिए क्वारल्ड हो जाएगा, तो यू नीड नॉट हैव क्वारल्ड विथ हिम। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं, हमें उसे डांटने की जरूरत नहीं थी, तो हमें के लिए वी, और जरूरत नहीं थी के लिए नीड नॉट हैव, और डांटने के लिए स्कोल्ड होता है उसका थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड, और उसे तो हिम, तो वी नीड नॉट हैव स्कोल्डेड हिम। चलिए अब आपके लिए प्रैक्टिस सेंटेंस, यानी कि प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू। तो देखिए यहां पर तीन सेंटेंस हमने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, और तीनों प्रकार के सिंटेक्स पर आधारित दिए गए हैं। पहला सेंटेंस आपके लिए है, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें निरंतर अभ्यास की जरूरत है, हमें कच्चे आम की जरूरत नहीं थी। इन वाक्यों का ट्रांसलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।